सबसे पहले तो मैं अतुल कौशिक का और नीतीश जी का यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ कि हमारे शहर में ये दो हस्ती हमारे बीच में मौजूद हैं। और जिस तरह के चरित्र को नीतीश ने निभाया है और एक इमेज दी उस चरित्र को, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसको बरसों तक याद किया जाएगा। ये मैं नीतीश की प्रेजेंस में नहीं, इससे पहले भी कहता रहा हूँ और आगे भी मेरी धारणा ये बनी रहेगी, क्योंकि मैंने और कृष्ण की भूमिका निभाने वाले चरित्रों को भी देखा है। बहरहाल वो एक अलहदा विषय है और उस पर जितनी बात करें कम है। वर्तमान समय के चक्रव्यूह, ये आज की चर्चा का विषय रखा गया था। मुझे जब रुचि ने कहा कि इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और अपनी बात कहनी है, तो मेरी पहली अपेक्षा तो यही थी कि जो चक्रव्यूह नाटक है अतुल जी का, वो एक बार मैं देख पाता, या तो नाटक होते ही देख पाता तो वो तो और भी बड़ी बात थी, नहीं तो कम से कम मैं लेखक आदमी हूँ तो स्क्रिप्ट पर मेरा काफ़ी भरोसा रहता है। बाकी मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि ये ना, अगर ये स्क्रिप्ट है, ये आलेख है, तो ये जब मंच पर जाएगा किस तरह का असर पैदा करेगा। लेकिन कुछ विषय या कुछ चरित्र अपने आप में ऐसे होते हैं जिनके बारे में धारणाएं पहले से बनी हुई हैं। विषय अपने आप में उसकी सारी संभावनाएं खोल देता है। महाभारत, रामायण, ये ऐसे एपिक हैं हमारी भारतीय समाज के, जो सारे साहित्य का, सारी संस्कृति का, सारे कला रूपों का एक से स्रोत है, जड़ है। वहाँ से सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती है, बनी बनाई चरित्र हमको वहाँ से बनी बनाई मिलते हैं। तमाम जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं उनके उनके स्वरूप भी हमें वहाँ दिखाई देते हैं और उनके हल भी वहाँ दिखाई देते हैं। आप सबने देखा होगा कि पिछले सालों में सारी भारतीय भाषाओं में महाभारत और रामायण को लेकर के, उनके चरित्रों को लेकर के, उनकी जो मूल समस्याएं उनको लेकर के इतने नाटक, इतने इतनी फिल्में, इतने इतने काव्य ग्रंथ और इतना विश्लेषण अब तक सामने आ चुका है। इसके बावजूद ये संभावना अब भी बनी हुई है कि इस पर और बात की जानी चाहिए। महाभारत पर इतना लिखा गया और महाभारत पर इतना लिखा जाने की अभी भी ज़रूरत है कि उसे और हम डीकोड कर सकें और खोल सकें और उसके माध्यम से अपने जीवन को समझ सकें। महाभारत पर अतुल ने जो नाटक लिखा है, और चूंकि अभिमन्यु का मुख्य चरित्र है, जाहिर है उससे जुड़े हुए दूसरे तमाम चरित्र भी वहाँ होंगे, लेकिन फोकस सारा अभिमन्यु पर होना चाहिए या उस चक्रव्यूह वाली थीम पर होना चाहिए जिसके माध्यम से वो इस समस्या को इस रूप में खड़ा करते हैं। ये काम पहले भी हिंदी में भी बहुत सारे नाटककारों ने किया है, अभिमन्यु को केंद्रीय चरित्र बना करके किया है। मैंने बहुत सारे काव्य ग्रंथ भी ऐसे पढ़े हैं जिनमें अभिमन्यु को एक नाटक, एक एक मुख्य चरित्र बना करके, काव्य नायक बना करके और प्रस्तुत हुआ है। हमारी अपनी राजस्थानी भाषा में इस तरह के काव्य सामने आए हैं। अभी पिछले दिनों विनोद सोमानी हंस है हमारे अजमेर के एक राइटर, उन्होंने अभिमन्यु पर एक पूरा काव्य लिखा है। तो ये जो आपने अतुल ने ये काम किया, ये तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये केवल उस आख्यान को रिप्रोड्यूस करता है या आज के समय की समस्याओं को, आज के हमारे डिस्कोर्स को भी उसमें शामिल करता है। नीतीश जानते हैं कि महाभारत को जब उसकी डायलॉग राही मासूम रजा ने लिखी है तो उसमें कितना हमारा आज का वर्तमान समाहित है। चाहे कृष्ण बोलता था या कर्ण बोलता था या युधिष्ठिर बोलते थे, उसके हर सीन में, हर वाक्य में, हर उस प्रसंग में कहीं ना कहीं हमारे आज की प्रतिध्वनियाँ सुनाई देती थी। हमारे जो सामाजिक रिश्ते हैं उनके भीतर की जो कॉम्प्लिकेसी है, उनके भीतर की जो संश्लिष्टता है, जो कठिनाइयाँ हैं, वे उनके माध्यम से हमको रिफ्लेक्ट करके दिखाई देती थी, प्रतिबिंबित होती थी। एक काम जो ये हमारे आख्यान है वो करते हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था में इस तरह की जो जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनको प्रोड्यूस करने का। दूसरे स्तर पर ये राजनीतिक स्तर पर भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
हमारे सामाजिक रिश्तों को प्रभावित करते हैं, हमारी राजनीति को प्रभावित करते हैं, न केवल अब करते हैं, महाभारत काल से लेकर के बाद तक करते ही चले आ रहे हैं। हर कोई चरित्र, जो बड़ा चरित्र, जो लीडिंग चरित्र होता है, वो अपने को आइडेंटिफाई करता है उस महाभारत के और रामायण के चरित्रों से। आदर्श है उनके लिए, राम की तरह का राजा होना चाहिए या कृष्ण की तरह का योगेश्वर योद्धा होना चाहिए। ये मॉडल्स हैं, ये आदर्श हैं, इनके इनसे कोरिलेट करते हैं, इनसे अपने को आइडेंटिफाई करके और उन्हीं वैल्यूज़ को दोहराते भी हैं, लेकिन वो कितना साबित कर पाते हैं, कितना वैसा परफॉर्म कर पाते हैं, ये हम सब के एसेस करने की चीज़ है। बहुत सारी चीज़ों में, बात बात में, हमारे डायलॉग इतने इतने रिपीटेडली उन सारे मुहावरों को दोहराया जाता है महाभारत काल के, कि जैसे हम सारी चीज़ों को उन्हीं के माध्यम से समझ लेना चाहते हैं। इसलिए अगर कोई भी नाटककार उस तरह की थीम को उठाता है, उसकी चुनौतियाँ भी उसके सामने बड़ी होती हैं और सहूलियतें तो कह रहे ही, एक बना बनाया थीम है, बना बनाया चरित्र है, तो आपको बहुत कम रिस्क लेनी है, उसके आसपास ही रहना है। लेकिन अगर केवल वहीं तक सीमित रह गए तो वो प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे जो आप नाटक लिखने के लिए जिस उद्देश्य से उत्प्रेरित हुए, उस वर्तमान को उसमें जी लेना, उसे मूर्त कर देना ही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है, आपकी सबसे बड़ी सफलता है। ये सफलता मैं ज़रूर कौशिक जी के नाटक में देखना चाहूँगा, मेरे पास ऐसा अवसर हुआ तो मैं शाम को आऊँगा और देखूँ उस नाटक को कि कैसे आपने किया। लेकिन मैं आश्वस्त जरूर हूँ, क्योंकि एक तो नीतीश की प्रेजेंस अपने आप में इसको सफल बना देगी, इसके बारे में कोई मेरे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये क्षमता इस कुछ लोगों में मीडिया में काम करते हुए ये चीज़ मुझे सिखा दी गई है कि आप एसेस कर लेते हैं क्या ये काम, हाँ ये या पहले से आप पूछा जा रहा है कि ये कौन कर सकता है, तो हम लगभग ठीक ही जगह पर पहुंच जाते हैं कि ये किसके लिए, तो यही उपयुक्त है। तो अतुल ने बहुत समझदारी का काम किया कि नीतीश जी को इसके लिए चुना और आधी सफलता तो उनकी इसी में तय हो गई, बाकी उनका स्क्रिप्ट, उनकी वो आलेख तय करेगा। हमारा समय इसमें कितना प्रतिबिंबित होता है ये मुझे जानना है, होना चाहिए ये मेरी अपेक्षा है। और राजनीति जिस तरह से उलझी हुई है आज, और जिस तरह से महाभारत हमारे लिए, जैसा नीतीश जी ने कहा कि वो प्रत्यंचा खींच करके पीछे ले जा करके और भविष्य में दूर तक ले जाने की कितनी क्षमता पैदा कर पाया ये नाटक, ये वाकई हमें भी देखना है। और यही प्रक्रिया है अच्छा नाटक लिखने की, यही उद्देश्य होता है, जिसमें मेरा ख्याल है कि बतुल जी ज़रूर सफल हुए होंगे। जिजीविषा ही किसी चीज़ को मुकाम तक ले जाती है, और मैंने छोटे से इस क्षणों में मैंने अतुल जी में ये जिजीविषा देख ली है, और ये मैं आश्वस्त हूँ कि वो काम ज़रूर होगा। बाकी और आप सब लोग इसमें मददगार होंगे, आप लोग भी इसमें अपनी राय रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।